नॉलेज हर किसी के पास है, मेन थिंग क्या आती है, प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग। 400 टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उन टॉपिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, उनके आंसर रेडी करने हैं। वो ये लेजीनेस मत दिखाना कि नहीं मैं तो इसमें से पढ़ लूंगा, मुझे तो आता है। अगर आपके पास रेडीमेड आंसर्स है ना, अब वहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा। जैसे इकोनॉमिक सर्वे और बजट आप पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन में हरियाणा की चीजें मेंशन कर देना, क्योंकि बेसिकली आपको हरियाणा पीसीएस में आना है ना, तो एग्जामिनर को लगना चाहिए ना हमने सामने वालों को इम्प्रेस करना है। बहुत चीजें ऐसी होती है जो आपको स्किप करनी पड़ेगी। आप हर चीज नहीं पढ़ सकते, हर चीज में आप 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। आप नियर परफेक्शन तक जा सकते हैं, तो आपको इस तरीके से ही चलना है। आपको प्री क्वालिफाई करना है, प्री को टॉप नहीं करना है, क्योंकि प्री सब मेरे को लगता है प्री सबसे बड़ी हर्डल हो जाती है। माय नेम इज हीना बदलेश, आई हैव डन माय 12th फ्रॉम डीएवी स्कूल थर्मल, एंड आफ्टर दैट आई हैव डन ग्रेजुएशन, एंड रिसेंटली आई सिलेक्टेड इन द एचसीएस 2021। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं, पूरी एक प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस चल रही है हमारी। हरियाणा का जो है अभी 95 पोस्ट आई है आपके पास, थोड़ा वॉइस इश्यू तो नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा मेरा गले में इशू चल रहा है, थ्रॉट इन्फेक्शन चल रहा है काफी दिन से। तो हमारी 3 स्टेज रहेंगी बेसिकली, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो जो मुझे सबसे टफेस्ट पार्ट लगता है वो प्रीलिम्स लगता है मेरे मेरे साइड से। तो प्रीलिम्स में आपको मेनली क्या स्ट्रेटेजी करनी है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको एक फर्स्टली एक सोर्स डिसाइड करना है कि हाँ मुझे इस सोर्स से पढ़ना है, और अपने सोर्स पे ट्रस्ट करना है कि ये सोर्स मेरा है और मुझे करना है, और अपने सोर्स पर इतना ट्रस्ट रखो कि आपका सोर्स कभी आपको गलत एडवाइस नहीं करेगा। मल्टीपल सोर्स को अवॉइड करना है, जैसे कि फर्स्टली हमारा बेसिक आता है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आप कम्प्लीटली लक्ष्मीकांत पे रिलाय करो, आर्टिकल्स लर्न कर लो। हाँ, एक सबसे मेन आता है कि आर्टिकल्स हम कैसे लर्न करें, कि ये आर्टिकल है, फैक्ट्स आ जाते हैं। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, मैं डेली के 5 फैक्ट्स लर्न करती थी मॉर्निंग में, और उन 5 फैक्ट्स को जब भी मैं अपने पेरेंट्स से बात करती या पीयर ग्रुप से या कहीं भी बात करती ना, अपनी कन्वर्सेशन में मैंने उन फैक्ट्स को रिवाइज किया, रिपीट करती थी। रिपीट करके क्या होता था, उससे मेरे को मेरे 5 फैक्ट्स जो है ना, पूरे दिन में 10-15 टाइम्स में उसे रिपीट कर देती थी, तो मेरे को वो लर्न हो जाते थे। ऐसे ही मैंने हिस्ट्री के फैक्ट्स लर्न किए, ऐसे जिसके भी फैक्ट्स आते थे, क्योंकि प्री में कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं तो वो आपको अच्छे से करना है। ये मेरे ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया था, और मेरे कुछ फ्रेंड्स पर भी वर्क हुआ है इस चीज का, कि कन्वर्सेशन में, क्योंकि देखो हम सभी एक ही लाइन के हैं, आप ये फैक्ट्स ये मत सोचो कि कोई क्या सोचेगा, आपको अपना रिवाइज करना है, भाई मुझे ये करना है और मैं सबके सामने रिपीट करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो पॉलिटी के लक्ष्मीकांत सफिशियंट है, इससे ज्यादा मत जाना एक्स्ट्रा, कोई कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने यूपीएससी अखाड़ा की मैगजीन की थी, सर ने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी जो है ना कवर की हुई है चारों, मैंने पूरी एनसीईआरटी अच्छे से ओल्ड एंड न्यू कर रखी है, और उसमें सर की मोस्टली चीजें उसमें कवर हो रखी है। स्टिल अगर आपको है आप एक बार रीड कर लेना, और उस मैगजीन में अपडेट करना, उस मैगजीन को गलती से भी अवॉइड मत करना। जैसे उसमें आप एक काम करो, उसकी पीडीएफ निकाल के कुछ भी आपको लेटेस्ट कुछ मिलता है या कुछ भी आपको अपडेट करना है उसी पर फोकस कर लो। वहां से आपका क्या रहेगा, ज्योग्राफी के जो नोट्स है ना आपके, वो टाइम बच जाएगा। उसके बाद आपको साइंस पर आना है। साइंस मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरा बॉटनी ऑप्शनल है तो साइंस मेरा बैकग्राउंड ही था। साइंस के लिए बेसिक चीजें कर लो, जैसे मैंने घटना चक्र का पूर्वावलोकन किया था, तो घटना चक्र पूर्वावलोकन में ऑलमोस्ट चीजें कवर हो जाती है। उसके बाद इकोनॉमी के लिए बेसिक नोट्स कर लो, क्योंकि ज्यादा हरियाणा में नहीं पूछता है इकोनॉमी, जैसे कि बेसिक टर्म्स पूछ लेते हैं, रेपो रेट हो गया है, इन्फ्लेशन हो गया, ज्यादा इन डेप्थ जाने की नीड नहीं है। करंट अफेयर जो थोड़ा बहुत लेटेस्ट आता है, इकोनॉमी में आपको सबसे मेन करना होगा हरियाणा का बजट और सर्वे, क्योंकि हरियाणा के बजट और सर्वे से आपकी मेन चीजें आती है। तो किसी सबसे मेन मेन डॉक्यूमेंट उठाना, मैंने मेन डॉक्यूमेंट उठाया था और उसके नोट्स किए थे। जैसे बजट का नोट आता है, उसमें से जो बजट कितने का आया है, वुमेन के लिए कितना है, क्या स्कीम्स आई है और कितनी जीडीपी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके पास होनी चाहिए। 2-3 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बना लो बजट की, ऐसे सर्वे से, सर्वे में क्या स्कीम आई है, उसके अंडर क्या है क्या नहीं है, सबके 2-2-3-3 पॉइंट्स बना के, और बिल्कुल क्रिस्प नोट बनाना। अगर आप इन डिटेल में लिखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि एट द एंड आपको रिवाइज करना है। लास्ट के प्री से 2-3 दिन में आपको पूरा सिलेबस ही रिवाइज करना है, और जितने छोटे नोट्स होंगे आप उतनी अच्छी रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि लास्ट के 3 डेज
बहुत क्रूशियल होता है। अगर उस टाइम पे आपने रिवीजन अवॉइड की तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि आपने उस टाइम पे बहुत कुछ पढ़ा था। तो रिवीजन की जगह नोट्स पे रिलाई करना अपने, उसके बाद एनवायरमेंट के लिए बेसिक चीजें कर लेना। सर की भी मैगजीन है आई थिंक, सर शायद है आपकी भी मैगजीन, हाँ एनवायरमेंट के नोट्स एनवायरमेंट उसमें का से कंप्लीट आपके हो हो गया। जाएंगे। हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने सर की मैगजीन की थी यूपीएससी अखाड़ा की, उसमें ऑलमोस्ट चीजें कवर हो चुकी है, क्योंकि उसमें नितिन सिंघानिया के ऑलमोस्ट पार्ट कवर हो रखे हैं, तो आप वो इजिली कर सकते हो। हरियाणा जीके मैंने एज सच नहीं की थी, हरियाणा जीके के लिए मैंने सर की मैगजीन आती है उसमें अरियंत की सारी बुक कवर है और उसमें लेटेस्ट सारा फैक्ट कवर है, तो अरियंत को आप अवॉइड कर सकते हो। सर की मैगजीन कर लेना, प्री के लिए सफिशियंट है। ज्यादा भागदौड़ मत करना सोर्स के लिए कि हमें ये भी करना है हमें वो भी करना है, जितने मिनिमम सोर्स रखोगे उतनी मल्टीपल टाइम आपकी रिविजन हो पाएगी। उसके बाद सेकंड थिंग है, सबसे जो मेन आपका डिसाइड कर दिया है वो है प्रीवियस ईयर। हरियाणा के जितने भी अभी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको सबको प्रिंट निकालो और हर एक क्वेश्चन पे वर्क करना है आपको, कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। आपको एक चार्ट बनाना है, बेसिकली हमारे जो जो सब्जेक्ट्स हैं प्री के उनको लिखो और ईयर डालो कि 2004, 2005, 2014 में हुआ था, फिर 2019 में और 2021 में, जो इनफैक्ट प्री कैंसिल हुआ था आपको वो पेपर भी एनालाइज करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। तो उन सब का एक चार्ट बनाओ कि पॉलिटी से इतने क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से इतने आए थे, फिर उसके बाद एक बिल्कुल डेप्थ में बनानी है आपको शीट, इस टॉपिक से इस टाइप से पूछता है, इस टॉपिक से इस टाइप से पूछता है। अगर आप ये बेसिक बुक्स करते हो हरियाणा में, अगर बेसिक आपने किया हुआ है तो प्री इजिली क्वालिफाई आप कर सकते हो। उसके बाद आती है आपकी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का हमें ये नहीं करना है कि टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस रिपीट होंगे, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, आपकी प्रैक्टिस होती है। कि आपको सबसे मेन 2 आवर्स का हमारे पास टाइम होता है, आपको पेपर कंप्लीट करना है टेस्ट सीरीज में 1.5 आवर में, चाहे आप कितना भी पहले करो आपको 1.5 आवर स्ट्रिक्टली देना है। अगर आप रूम पर दे रहे हो, लाइब्रेरी में दे रहे हो, टाइमर लगा के 1.5 आवर में, क्योंकि 1/2 आवर OMR और बाकी जो अदर फॉर्मेलिटीज होती है उनके लिए छोड़ देना है। 1.5 आवर में आपको वो कंप्लीट करना ही करना है, और उसमें आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, आपको 3 राउंड्स लेने हैं। फर्स्ट राउंड में सिर्फ आप वो क्वेश्चन मार्क करोगे जिन पे आप 110% श्योर हो कि ये तो मेरा गलत हो ही नहीं सकता। अगर किसी भी क्वेश्चन पे माइन्यूट भी आपको डाउट आता है तो वो आपको छोड़ देना है सेकेंड राउंड के लिए। तो ऐसे में 100 क्वेश्चन है, आप फर्स्ट राउंड में आई थिंक 45 क्वेश्चन 50 तक पहुंच जाओगे। 45-50 होके आपके बाद, उसके बाद आपको पता है कि कट ऑफ जाती है 60+। लास्ट टाइम 68+ भी गई थी, तो 70 तक का अपना को रखना कि 70 स्कोर करने में आप सेफ जोन में आ जाओगे। तो 45-50 आपके फर्स्ट राउंड में हो गए। सेकेंड राउंड में आपको वो क्वेश्चंस लेने हैं जिन पे 50-50 थे, क्योंकि 3 to 4 क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में ऐसे मिलेंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो क्वेश्चन पेपर में ही उसका आंसर है, ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। और आपको क्या करना है, OMR का जब फर्स्ट राउंड ले लो जिन पर आप 100% हो, OMR फील कर दो अपनी, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, क्योंकि हमारे माइंड में दोबारा एक और डाउट आता है। तो इससे आपको ये देखना है टेस्ट सीरीज से कि आपकी फर्स्ट इंट्यूशन स्ट्रांग है या सेकेंड इंट्यूशन स्ट्रांग है, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं जैसे पेपर पे कंप्लीट किया उसके बाद माइंड में अरे अरे नहीं इसका ऐसे था, तो हम आंसर चेंज कर देते हैं। वो सबके साथ गलती होती है, वो 3 to 4 क्वेश्चन हो जाते हैं पेपर में ऐसे। तो उस चीज से आपको बचना है, टेस्ट सीरीज से आपको ये देखना है फर्स्ट इंट्यूशन स्ट्रांग है या सेकेंड इंट्यूशन स्ट्रांग है। उसके बाद आपको ये देखना आप नेगेटिव कितना करते हो, अगर आप नेगेटिव ज्यादा करते हो तो क्वेश्चन 90+ अटेम्प्ट करो, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो 80+ अटेम्प्ट करो। 75 बिलो बिल्कुल गलती से भी मत करके आना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो हम आंसर सोच रहे हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके जो है ना वो डिफरेंट होते हैं आंसर्स, तो वो 3 to 4 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो उसको साथ में लेकर आपको चलना है। टेस्ट सीरीज आपको 3 चीजों में हेल्प करेगी, आपको आपकी स्ट्रेंथ बताएगी कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो किस में स्ट्रांग हो, फिर उसके बाद आपको अपने टॉपिक देखने हैं कि मेरा कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, यहाँ मुझसे नई गलती हो सकती तो उस चीज को और स्ट्रांग करना है। ये नहीं है कि जो आपका स्ट्रांग पोर्शन है उसको आप छोड़ दोगे, स्ट्रांग को वेरी स्ट्रांग बनाना है और वीक को आपको मॉडरेट से स्ट्रांग लेकर जाना है। ये नहीं है कि ये देखो आप हर चीज में मास्टरी नहीं कर सकते, आपको इतना पढ़ना है कि आप प्री क्वालिफाई कर पाओ। क्योंकि हम क्या करते हैं, अरे नहीं मेरा ये जैसे आर्ट एंड कल्चर रहता है सबका अच्छा नहीं होता है, आर्ट एंड कल्चर पे इतना टाइम डिवोट कर सकते देते हैं, इससे अच्छा आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे डिवोट करो, आर्ट एंड कल्चर के मेन मेन टॉपिक्स कर लो, इनसे आ गया तो जी मैं कर दूंगी, लेकिन उसके बाद नहीं आता है तो मैं छोड़ दूंगी, इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको एक शीट बनानी है
और शीट में आप अपने कुछ वो जो टेस्ट पेपर की बनाओगे प्रीवियस ईयर की और टेस्ट पेपर की, उसमें आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं। उसमें आपको ये लिखना है कि हाँ मैं इस पेपर में इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से अटेम्प्ट कर पाया, उसके बाद मैंने उसमें इतने गलत किए इतने सही किए, किस टॉपिक से फिर गलत हो रहे हैं वो आपको टॉपिक दोबारा उसी टाइम पे पढ़ना है, अवॉइड नहीं करना है। एक लिस्ट साथ साथ बनाते जाओ और ये देखो कि मैंने ये टॉपिक किया, उसको ये मत सोचना कि नेक्स्ट टाइम रिविजन होगी तभी, उसी टाइम पे उस टॉपिक को करना है, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो फिर वो छूट ही जाएगा। सेकेंड थिंग आपको उसमें करना है कि अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चन गलत किए, वीकनेस किस बात पार्ट में, इंट्रो पार्ट में है या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मुझे फैक्ट्स नहीं पता है। फैक्ट्स नहीं पता है ये कोई मेजर इशू नहीं है, पेपर के टाइम तक आप फैक्ट्स लर्न कर लोगे। जैसे कुछ आर्टिकल्स हमारे पॉलिटी में हो जाते हैं, ज्योग्राफी में होते हैं, वो फैक्ट्स गलत नहीं होनी चाहिए जो बेसिक रहते हैं। थर्ड आपको क्या पता लगेगा कि अगर एप्लीकेशन पार्ट गलत है तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे या नॉलेज नहीं थी, तो इस चीज को, क्योंकि हरियाणा का जो है वो अदर स्टेट पीसीएस की तरह नहीं आता है पेपर, यूपीएससी लेवल का पेपर आता है तो उसमें एप्लीकेशन बेस्ड आएगा ही आएगा, तो उस चीज को आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। कंप्लीट फैक्ट्स पर मत जाना, कंप्लीट एप्लीकेशन पर मत जाना, क्योंकि हरियाणा मिक्स देता है, और हरियाणा का जो अभी मैंने एनालाइज किया है ऑल ओवर इंडिया सबसे टफेस्ट प्री है। उसके बाद आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जैसे मेरा था कि 1/4 की मार्किंग में मैं करती थी 90+ अटेम्प्ट, 90 to 95 के अराउंड, और 1/3 में करती थी 80-85 के अराउंड, क्योंकि मुझसे नेगेटिव ज्यादा होते हैं। तो ये आपको अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट सीरीज से पता लगेगी कि हाँ मेरा ऐसे हुआ है ऐसे हुआ है, तो फर्स्ट राउंड में आपका ऐसे हो जाएगा। सेकेंड राउंड में 50-50 पे आओगे तो आप अराउंड अराउंड 20-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, तो आपके क्वेश्चन हो जाते 75। उसके बाद फिर आपको ओएमआर का राउंड लेना है, ओएमआर फिल करनी है। फिर थर्ड राउंड में आपको आना है कि अब मुझे पता है कि मेरी नेगेटिव ज्यादा होती है, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है वो यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं अपने आप को कि 2-3 80 क्वेश्चन तक चले जाओ, मोर देन सफिशियंट। लेकिन जिनका पता है कि नेगेटिव ज्यादा होता है वो थर्ड राउंड में फिर 10 to 15 क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। थोड़ा एक माइंड पर बर्डन डालोगे और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं एग्जाम टाइम में, हमें नॉलेज सभी को होती है, मेन चीज क्या होती है उस 2 आवर्स में हम कितना अपने आप को बैलेंस रख पा रहे हैं, कि कितना अपने आप को कंट्रोल किया, अपनी इमोशंस को, अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल में रखना है। किसी को एकदम से शिवरिंग होती है, प्लीज चॉकलेट लेकर जाना साथ में, पानी पीना, बीच में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इट्स योर डे। उस 2 घंटे में आपको अपना बेस्ट देना, आपने पढ़ सब कुछ रखा है, सबने सब कुछ पढ़ रखा है, मेन थिंग क्या मैटर करेगी उस टाइम पे, हमें कंट्रोल किसने किया। क्योंकि जैसे मेरे साथ भी हुआ एक बार, मैं पेपर में बैठते शिवर कर गई बहुत ज्यादा, तो उस टाइम मैंने एनालाइज किया कि नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती की है, शिवरिंग नहीं होनी चाहिए पेपर में, घबराना नहीं है। अगर इन केस जैसे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, घबराना नहीं है, 25 क्वेश्चंस को छोड़ दो आगे, 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करो, और उसके बाद जब आप इजी क्वेश्चंस कर लोगे, क्योंकि क्या रहता है मोस्टली सेट में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस ना कई बार टफ हो जाते हैं, तो उसे हम क्या पैनिक कर जाते हैं, अरे ये मेरा नहीं होगा, मेरे तो गलत हो रहे हैं, मुझे तो आता नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आपको कॉन्फिडेंस किसी भी हाल में लूज नहीं करना है। और उसके बाद आपको राउंड्स अपने 3 राउंड्स कंप्लीट करने, स्पीड रीडिंग स्पीड आपकी बार बनानी है, वो ओएमआर में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं 1 या 2 क्वेश्चन ओएमआर में गलती कर देते हैं, वो क्वेश्चन आपका वैसे ही गया। तो ओएमआर को प्रैक्टिस कर लेना 4 to 5 की, सी सेट को अवॉइड मत करना, क्योंकि इस बार हरियाणा में सी सेट में काफी बच्चे रुके हैं। और अपने सोर्स को करना है, और टेस्ट का क्या करना है, जैसे बंडल मत इकट्ठा करना इतने के टेस्ट पेपर हो गए मैं लास्ट डे रिवाइज कर लूँ। टेस्ट पेपर का मैं सिंपली क्या करती थी, टेस्ट पेपर लिया लगाया उसके उसी टाइम सॉल्यूशन एनालाइज किए, और टेस्ट का टाइम आपको क्या रखना है जो आपका एग्जाम टाइम होता है, जैसे 9:30 to 11:30 रहता है, तो उस टाइम पे ही आपको टेस्ट पेपर अपना लगाना है, क्योंकि माइंड की एक एबिलिटी होती है, जिस टाइम पे हम माइंड को ट्रेन करेंगे ना, माइंड उसी अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट करेगा, ये बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको कहते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, टेस्ट को एनालाइज किया, ये नहीं है कि आप सोल्यूशन का निकालो, ऑनलाइन अपना सॉल्यूशन पढ़ो, और जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे उसको उसी पेपर पर लिख लो, उसका सॉल्यूशन जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, क्योंकि जो चीजें टेस्ट पेपर में वो आपके सोर्सेज में ऑलरेडी है, तो उनको डबलिंग मत करो, डबलिंग से आपको बर्डन नहीं मिलेगा और कुछ नहीं होने वाला है। जो एक्स्ट्रा चीजें आपको टेस्ट सीरीज से मिल रही है, मैं जैसे क्या करती थी, मैं टेस्ट पेपर भी अवॉइड कर देती, मैंने अपनी कॉपी मेंटेन की हुई थी, जो मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट लगता था मैं उसमें नोट कर लेती थी, वन लाइनर टाइप में या पैराग्राफ में जो भी था, उस चीज से मैंने अपने आप को वो फ्री का किया था। फिर उसके बाद आता है करंट अफेयर्स,
करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, क्योंकि हरियाणा में न्यूज़पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी भी ये नहीं अवॉइड नहीं कर सकते कि मैं ये कर लूं, मंथली मैगजीन कर लूं। उसके बाद मैंने दो सोर्स किए थे, सिर्फ न्यूज़पेपर से अपने नोट्स बनाए थे डेली के, मैं द हिंदू डेली रीड करती थी, और बाय हार्ट करना है आपको। ये नहीं है कि आप कुछ भी चीजों को छोड़े हो, एक स्कीम आ रही है आपने नाम पढ़ लिया लेकिन आपने कहा अरे बाद में देख लूंगी, उसको नहीं करना है। उसको उसी टाइम पे गूगल करके उसके आपको फैक्ट्स लिखने हैं, वो स्कीम क्यों आई थी, कब आई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, उसका एम क्या है। अगर उसमें कोई फैक्ट है, जैसे कि हमारी मातृवंदना योजना में मिलते हैं वुमेन को, तो आपको इस टाइप से पता होना चाहिए कितने क्या मिल रहा है। उसके बाद आपको मैंने करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर किया था, और यूपीएससी अखाड़ा की मैगजीन की थी, सर की मैगजीन, लिटरली आप रिलाई कर सकते हो। ये मत सोचना कि मैं सर के लिए बोल रही हूँ, मैंने पर्सनली सोर्स फॉलो किए हैं, तो आप इस चीज पे मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं मिसगाइड नहीं करने वाली, क्योंकि मैं मुझे बहुत मैं मिसगाइड हुई हूँ। तो उसके बाद आपका फ्री के लिए आप ये सब कर सकते हो। एक घटनाचक्र पूर्वावलोकन किए थे मैंने सभी सब्जेक्ट्स के, उससे क्या रहता है आपकी ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ जाती है, कि उसमें अराउंड अराउंड 3,000 के आसपास क्वेश्चंस रहते हैं, और जितने भी पेपर्स हुए हैं लेटेस्ट एडिशन ले लेना सभी का, और उसको एक बार जरूर कर लेना। टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें जो स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसके बाद क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको फैक्ट्स लर्न हो जाएंगे, एप्लीकेशन लर्न हो जाएगी, चीजें मेमोराइज बहुत जल्दी हो जाएंगी। उसके बाद घटना चक्र का वो आता है पिक्टोरियल, मैंने क्या किया था, घटना चक्र पूर्वावलोकन के क्वेश्चंस बैंक को 3 to 4 times कर लिया था। उसके बाद पिक्टोरियल में ऑलमोस्ट चीजें दी हुई है, जो मुझे एक्स्ट्रा लगता था उसमें मेंशन कर लेती थी। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास मेरे सिर्फ सभी सब्जेक्ट के नोट्स थे, और घटना चक्र का पूर्वावलोकन था, और ज्योग्राफी के लिए यूपीएससी अखाड़ा की मैगजीन, और करंट अफेयर्स, ये मैंने फॉलो किया था। मैंने उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया था प्री के लिए। टेस्ट पेपर में भी आपको जो जो चीजें आपको नहीं आ रही है वो ही आपको नोट डाउन करनी है, एक्स्ट्रा बर्डन मत लेकर चलना। तो कोशिश रखना है कि प्री में जो आपका स्कोर है 70+ रहे, क्योंकि 70+ में आप सेफ जोन में आ जाओगे। उसके बाद अपना मेंस की स्टार्ट करो। मेंस के लिए फिर आके आते हैं आपके 4 पेपर होते हैं हरियाणा में, 100 100 मार्क्स के हिंदी इंग्लिश, 200 का जीएस, 200 का ऑप्शनल। जीएस को निग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं जीएस को निग्लेक्ट कर देते हैं। लास्ट टाइम था कि 100 मार्क्स का था जीएस, लेकिन इस बार 200 मार्क्स का है, तो इक्वल वेटेज देनी है। हिंदी के लिए मैंने 2 बुक फॉलो की थी, राघव प्रकाश और पीएन पांडे, इनकी ग्रामर आप कर लेना, इससे एक्स्ट्रा ग्रामर मैं गारंटी देती हूँ कहीं से नहीं आती। जितनी ग्रामर इन दोनों बुक्स में दी हुई है कहीं भी नहीं है। हिंदी की प्रैक्टिस राइटिंग की जरूर करना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हुए हिंदी की राइटिंग हमारी बेकार हो जाती है बिल्कुल। हिंदी का ऐसे आपको अवॉइड नहीं करना है, लेटर का फॉर्मेट अच्छे से करना है। हरियाणा की ऑफिशियल साइट से कुछ लेटर्स डाउनलोड कर लेना कि क्या क्या फॉर्मेट है, क्योंकि सभी स्टेट का कुछ कुछ अलग अलग फॉर्मेट है, वो कर लेना। उसके बाद आपका जो आता है इसमें दोहे आते हैं हिंदी में, 10th की या 9th 10th की कोई भी कर लेना, और एक कबीर का आता है आप उसमें से कर लेना, जो दृष्टि का हिंदी साहित्य की मैगजीन एक आती है बुक, उसमें ना दोहे दिए हुए हैं, उसमें से कबीर के कर लेना, क्योंकि कबीर का मोस्टली हरियाणा पूछता है। ट्रांसलेशन के लिए जो पीएन पांडे और राघव प्रकाश है, इसमें बैक में ना काफी सारी ट्रांसलेशन दी हुई है, उनको कर लेना। एक मैंने क्या किया था, जो हमारे यूपीएससी के सी सेट के पेपर्स होते हैं, सी सेट के पेपर्स जो आते हैं ना, उनके जो पैसेज आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसकी मैंने ट्रांसलेशन की थी। और ट्रांसलेशन में सबसे मेन ये नहीं है, आपको ट्रांसलेशन में वो पता है क्या देखते हैं, कि आपने किस तरीके से वर्ड्स को फॉर्म किया है, कि लाइन जैसे हम बोल देते हैं, हम कई बार बोल देते हैं आप आ जाओ या आप जाओगे, कुछ इस टाइप से होता है कि आपका सीक्वेंस होना चाहिए, जो वर्बली हम नहीं करते हैं फॉलो, वो आपका सीक्वेंस वहां दिखना चाहिए। और राइटिंग हिंदी में मैटर करती है, प्लीज उस चीज को अवॉइड मत करना, क्योंकि एग्जामिनर को अगर स्ट्रेस आता है पढ़ने में, पता नहीं देखो वो हमारी तरह ही है, सुबह मॉर्निंग में पता नहीं किस फ्रस्ट्रेशन से होकर आया, अगर उसको नीट एंड क्लीन शीट मिलेगी वो अच्छे मार्क्स देगा, लेकिन अगर उसको कोई गंदी राइटिंग मिल गई तो उसको गुस्सा आएगा ना। तो उस पर बर्डन नहीं देना, आपको सामने वाले को इम्प्रेस करना है। सामने वाले का ये नहीं है कि उसे नॉलेज नहीं, उसे नॉलेज आपसे ज्यादा है, लेकिन आप उस चीज को क्या प्रेजेंट कर रहे हो, नॉलेज हर किसी के पास है, मेन थिंग क्या आती है, प्रेजेंटेशन इन राइटिंग। क्योंकि हम क्या करते हैं, राइटिंग को अवॉइड कर देते, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है। अब सिंपली सी है, अगर मैं आपको गंदी सी हैंड राइटिंग में दे दूं, आपका मन नहीं करेगा ना पढ़ने का, फिर आप एक फॉर्मेलिटी करोगे,
राइटिंग को अवॉइड मत करना, ठीक है, बहुत सुंदर भी नहीं करनी है, इतना हो कि सामने वाले को रीडेबल हो। इंग्लिश के लिए यार जनरल इंग्लिश आती है, ऐसे हम प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। हिंदी इंग्लिश की ऐसे के क्या करना, जो टॉपिक आप हिंदी में ले रहे हो ना, इंग्लिश में मत लेना वो टॉपिक, क्योंकि ऑलरेडी उस टॉपिक का एक ड्राफ्ट रेडी हो चुका है, क्योंकि 30 मार्क्स का ऐसे आता है, वो बहुत स्कोरिंग होता है। इसमें आपको क्या करना है, एक ड्राफ्ट रेडी करना है और उसमें सारे डायमेंशन डालनी है आपको ऐसे में। जैसे आपको अपना क्या करना है, यूपीएससी के, मैं यूपीएससी सिलेबस को फॉलो करती थी, पॉलिटिकल डायमेंशन डाल दी, ज्योग्राफिकल डाल दी, हिस्टोरिकल डाल दी, इंटरनेशनली डाल दी। तो इस तरीके से आपको डायमेंशन लेकर चलनी है, और इनमें आपको कुछ भी हो, कोई भी आपको प्रोवर्ब पता है, कुछ भी पता है, और एग्जाम्पल्स डालने हैं। इंट्रो बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि इंट्रो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो इंट्रो आपका किसी भी चीज का सबसे बेस्ट रहेगा, उस चीज को आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। जैसे हिंदी में आपने कोई टॉपिक ले लिया, जैसे साइंस से रिलेटेड ले लिया कि विज्ञान ने क्या प्रगति की है, तो उस चीज का, उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश में फिर कोई और ऐसे ले लिया इकोनॉमी से रिलेटेड, एक हिंदी के ऐसे आप ना बुक आती है, एक मुझे अभी नाम, निशान जैन की बुक है, उसमें 101 ऐसे है, उसमें से ना कुछ ऐसे रीड कर लेना, हिंदी के ऐसे के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद इंग्लिश का है जनरल ग्रामर आती है, मैंने ज्यादा, जैसे इस बार तो ग्रामर का पैटर्न चेंज हुआ था, बेसिक आपके जो रूल्स है ग्रामर के वो कर लेना। और पीएम बख्शी की थी मैंने, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और प्रोवर्ब्स वगैरह के लिए आता है, बाकी इस बार चेंज हो गया था, तो अभी कुछ एक्सपेक्ट मैं बता नहीं सकती कि नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा। प्रेसी राइटिंग को अवॉइड मत करना, एटलीस्ट बिफोर योर एग्जाम 20 to 25 प्रेसी कर लेना अच्छे से, क्योंकि प्रेसी राइटिंग स्कोरिंग है 20 मार्क्स की। अगर आप 12 to 15 मार्क्स स्कोर कर ले, तो आप इंग्लिश के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि जो इंग्लिश और हिंदी का पार्ट होता है हम निग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। किसी के हिंदी में अच्छे आते तो इंग्लिश में कम हो जाते हैं, इंग्लिश में अच्छे आते तो हिंदी में कम हो जाते हैं। ये दोनों को इक्वली टाइम देना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ही सबसे मेन स्कोरिंग है। अगर आप 60+ ले आते हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ऑप्शनल की है, ऑप्शनल मेरा जैसे बॉटनी था, मैंने क्या किया था, 400 टॉपिक्स की एक लिस्ट बना ली थी मैंने, यूपीएससी और यूपीपीसीएस और हरियाणा तीनों के प्रीवियस ईयर लिए थे, और एक तो क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई थी, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आता है। तो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें कोई घुमा फिरा के करना होता है, एक टॉपिक का नोट्स बना लो अलग से एक कॉपी, कि मुझे अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे इसमें ये सब चीजें डालनी है। और उसके बाद कई बार क्या होता है, इंट्रो का जो क्वेश्चन आएगा अलग, इंट्रो बॉडी में आ जाएगा, बॉडी इंट्रो में आ जाएगी। तो ये मत करना कि एट द एंड ऑफ द ऑप्शनल का इतना मटेरियल है आप उसे फॉलो करोगे। मैंने लास्ट में सिर्फ 3 कॉपी थी, मेरी ऑप्शनल बहुत लेंदी था, 3 कॉपीज को मैंने पेपर के टाइम पे कंप्लीट रिवाइज कर दिया था। सभी ऑप्शनल की सेम ही स्ट्रेटेजी रहती है, 400 टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उन टॉपिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, उनके आंसर रेडी करने हैं। वो ये लेजीनेस मत दिखाना कि नहीं मैं तो इसमें से पढ़ लूंगा, मुझे तो आता है। अगर आपके पास रेडीमेड आंसर्स है ना, अब वहां पे आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि पेपर लेंदी आता है, 3 घंटे में पेपर को कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाता है तो काफी दिक्कत हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपके पास रेडीमेड आंसर्स होंगे ना, सिर्फ उसको आपको रीअरेंज ही तो करना है वहां पे, एज इट इज आपको वहां पे आपको अटेम्प्ट करके आना है। यहाँ से आपको जो थिंकिंग के में आपको 1 से 2 मिनट मिलती है ना, वो आपकी सेव हो जाएगी। और कोशिश करना पॉइंट फॉर्मेट में लिखना, क्योंकि पैराग्राफ में लिखते हो तो आपके साथ सबसे मेन इशू क्या आता है, पैराग्राफ किसी को रीड करने का इंटरेस्ट नहीं होता, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। तो पॉइंट फॉर्मेट में लेना, डायग्राम्स बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, वेन डायग्राम बनाना, और अंडरलाइन करना मत भूलना, क्योंकि सबसे मेन पार्ट होता है मेंस में। अगर आपको पता ही है ये मेरी मेन पॉइंट है, एग्जामिनर को क्या देखना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें उसने 5 6 चीजें देखनी है, अंडरलाइन की हुई है, वो 5 6 चीजें देखेगा, हाँ ये चीज सी, 6 में से आपको आराम से 4 नंबर मिल जाएंगे। इंट्रो आपको अच्छा देना, कंक्लूजन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कंक्लूजन को मिस मत करना, चाहे एक लाइन लिखना, हैज दिस हैज बीन डन एंड दिस हैज बीन डन एंड दिस कैन बी डन, एक अपना ओपिनियन दे सकते हो आप कंक्लूजन में, या कोई स्कीम आई है अच्छी, या कोई डाटा है आपके पास उसको डाल सकते हो। कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, उसको कभी भी चाहे आपने कितना नेगेटिव आंसर लिखा हो, कंक्लूजन को लास्ट में आके पॉजिटिव रखना है, क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट क्या होता है, हमें पॉजिटिव ही तो रहना है ना, वट एवर मे बी द सर्कमस्टांसेस, लेकिन वी हैव टू बी पॉजिटिव एट एनी कॉस्ट एट एनी सिचुएशन। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को जब एड्रेस करते हो उसको आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है पार्ट को, उसमें क्या क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन से डाइवर्ट नहीं होना है। वाई पूछा है तो वाई का आंसर पे ज्यादा फोकस करना है, ये नहीं है कि वाई पूछा है हम वट पे फोकस कर रहे हैं।
या अगर उससे एप्लीकेशन पूछा है तो हम बेसिक बता रहे हैं। आंसर राइटिंग में सबसे मेन चीज ही ये होती है। ऑप्शनल में आप ये कर सकते हो, ऑप्शनल के लिए भी, और उसके बाद आता है आपका जीएस। जीएस के लिए हरियाणा में इस बार जैसे था कि करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा हुआ था, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या क्या किया था, मैं न्यूज़पेपर रूटीन से कर ही रही थी। उसके बाद मैंने यूपीएससी अखाड़ा की मैगजीन की थी, सर ने ना लास्ट में 400 को टॉपिक्स की ना लिस्ट दी थी, और मुझे जो लगता है अराउंड अराउंड सर के उससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। और हरियाणा में क्या रहता है, 10 to 15 days पहले का भी करंट अफेयर्स आता है, तो न्यूज़पेपर आपको एग्जाम के 1 week तक से पहले तक का सारा न्यूज़पेपर पढ़ना है। जैसे इस बार आया था INS विक्रमादित्य, वो पेपर से 10 to 15 days पहले ही आया था। और मेरे साथ कोइंसिडेंस क्या हुआ था, मैंने वो नोट्स बनाए हुए थे, वो मैंने जिस दिन मेरा पेपर था मैं मॉर्निंग में ही उस टॉपिक को पढ़ के गई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, और वहां पे आपको डायमेंशन डालनी है जीएस में। जीएस के लिए डायमेंशन डालने के लिए डाइवर्सिफाई होना चाहिए आपका आंसर, तो आपको हर एस्पेक्ट डालना है। जैसे अब ये सबसे मेन बड़ा क्वेश्चन आता है कि उस टाइम डाइवर्सिफिकेशन कैसे लेकर आए। सिंपल क्या करना है, यूपीएससी का सिलेबस अपने सामने रखो, उसमें से देखो आपके पास क्या क्या है सब। आपका जैसे GS1 आता है, GS1 में हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में क्या क्या आता है, एंशियंट मेडाइवल और मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें आपको उससे रिलेटेड डायमेंशन डालने हैं। फिर आपका सोशल इश्यूज आ जाता है, सोशल इश्यूज में आपका वुमेन आ जाएगा, चाइल्ड आ जाएगा, PWD हो जाएगा, सीनियर सिटीजन आ जाएंगे, LGBTQ आ जाएगा, तो सबसे यहाँ से एक डायमेंशन यहाँ से आ जाएगी। सोशल जस्टिस आ जाएगा, सोशल जस्टिस से आप एक ले सकते हो। फिर पॉलिटी से आप 2 डायमेंशन वहां से ले सकते हो। उसके बाद IR से आप 1 डायमेंशन ले सकते हो, गवर्नेंस से आप 1 डायमेंशन ले सकते हो, फिर ज्योग्राफी से आप 2 डायमेंशन ले सकते हो, सिक्योरिटी से ले सकते हो, साइंस एंड टेक्स से 2 डायमेंशन ले सकते हो, और एथिक्स की भी डालनी है। जैसे हरियाणा में एथिक्स नहीं आता है, लेकिन एक एथिकल पर्सपेक्टिव डाल दो, आपका क्वेश्चन ही तो अच्छा हो जाएगा ना। और उसमें क्या करना है, आप जैसे सर ने ना एक वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, उससे आपको ना डायग्राम्स बनाने का मिल जाएगा कि किसी में ट्राइंगल बना दी, किसी में हमने सर्कल लगा के ऐसे कर दिया, रेक्टेंगल बना के उसके पार्ट्स लिख दिए, और मैप की प्रैक्टिस करना अगर क्वेश्चन में हरियाणा का मैप। और मेंस में क्या करना है, आपको हरियाणा का पर्सपेक्टिव दे देना, जैसे इकोनॉमिक सर्वे और बजट आप पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन में हरियाणा की चीजें मेंशन कर देना, क्योंकि बेसिकली आपको हरियाणा PCS में आना है ना, तो एग्जामिनर को लगना चाहिए ना हमें सामने वालों को इम्प्रेस करना है। तो आपको क्या करना है, हरियाणा का पर्सपेक्टिव डाल के हरियाणा के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर दे देना, कोई स्कीम दे देना, कोई डाटा दे देना, या वो खट्टर साहब ने कुछ कहा, तो ये चीजें डालते हो ना तो आपका आंसर जो है ना इफेक्टिव बन जाता है। उसके बाद जो है, हाँ, जो इंडिया का आता है बजट, बजट पढ़ लेना। सर्वे मैंने नहीं पढ़ा था, सर्वे से कुछ भी अगर किसी का भी जिस्ट मिल जाए वो देख लेना। तो इम्पोर्टेंट स्कीम्स आपको डालनी है, स्कीम्स का नाम डालो, अंडरलाइन करना है, डेटा डालो, अंडरलाइन करना है, कोई भी आप कीवर्ड डाल रहे हो उसको अंडरलाइन करना है। और जैसे जो हम कीवर्ड्स यूज करते हैं, 3 A's 3 I's, तो इन चीजों को ना आप यूज करोगे ना, आपको सबसे मेन क्या है, आपको अटेम्प्ट जल्दी हो जाएगा पेपर। आपको ये नहीं करना है कि नहीं ये कैसे होगा, कुछ निमोनिक्स बना लेना, निमोनिक्स से आपको वहां पे इजिली रिकॉल कर पाओगे, क्योंकि मेंस के 3 hours पता क्या होते हैं, उस टाइम पे ना क्वेश्चन कुछ भी याद नहीं आना, जो आप लिख रहे हो वो ही उस टाइम पे होता है। प्रैक्टिस करना आंसर राइटिंग, एटलीस्ट डेली के 5 आंसर्स लिखो, 5 ही GS के, 5 ही ऑप्शनल के, ग्रामर को अच्छे से करो हिंदी इंग्लिश की, और ऐसे वीकली कैसे लिख लो, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, बर्डन मत करो अपनी प्रिपरेशन को ना, इंजॉय करो। अगर आप उसको बर्डन लोगे ना, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर चलो कि नहीं ये मुझे करना है, चाहे कितना भी टाइम लगे हमें अचीव करना ही करना है। अगर आप उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाओगे, इंजॉय करोगे, तो आपको मजा आएगा कि हाँ मेरा ये था और मैं इंजॉय कर रहा हूँ। और शेड्यूल की रही बात, शेड्यूल के लिए आपको क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं, एकदम से बिग टारगेट मत करना। जैसे कि आज मेरे को भाई पॉलिटी का एक चैप्टर पढ़ना है, ज्योग्राफी का, 2 सब्जेक्ट एक टाइम पर लेकर चलना। उससे क्या रहेगा, आपके माइंड में एक डाइवर्सिफिकेशन रहेगी, एक से रहोगे ना तो फिर आपको रहेगा अरे मोनोपोली होगी, बोर हो गए हैं, 4 घंटे 1 सब्जेक्ट पढ़ लो, 4 घंटे 1 सब्जेक्ट पढ़ लो, या जैसे मैंने क्या करती थी, 2.5 घंटे का स्लॉट ले लो, 2.5 घंटे GS पढ़ लिया, 2.5 घंटे ऑप्शनल पढ़ लिया, 5 घंटे हो गए हैं, 1 1 घंटा हिंदी इंग्लिश कर ली, 2 घंटे करंट अफेयर्स कर लिए। मेरा स्केड्यूल ये रहता था। जैसे अगर वो टाइम सेट करते हो, अगर एक सब्जेक्ट लेना है तो उसको कोशिश करो within 4 to 5 days उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ऐसे अगर 2 सब्जेक्ट लेकर चलते हो तो वो 1 week में कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, क्या रह गया, और हाँ
कि जो भी सब्जेक्ट आप लेकर चल रहे हो उसके छोटे छोटे टारगेट लेकर चल रहे हैं डेली। अगर आप अपने टारगेट को अचीव करोगे तो उसमें सबसे मेन आपको क्या रहेगा कि हाँ मैंने आज अपने आपको खुद को अप्रिशिएट करोगे कि आज मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया है और नेक्स्ट डे मैं फिर उसको फिर अचीव करूंगा। आपको 15 डेज अपने छोटे टारगेट्स पे चलना है, उसके बाद 16 डेज से आपको क्या करना है, थोड़ा सा और अपना टारगेट, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने स्टेमिना को इंक्रीज करना है। एकदम से बिग टारगेट लेकर चलोगे डिमोटिवेशन आएगा क्योंकि कंप्लीट होगा नहीं, है तो 24 आवर्स ही देख ना, तो उस 24 आवर्स को आपको 48 आवर्स में कैसे चेंज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। हार्ड वर्क बताओ, के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, ये नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ बहुत चीजें, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप एनालाइज करोगे ना आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपने टाइम वेस्ट में नहीं करना है आपको कि मेरे को तो एक एक लाइन लर्न करनी है, मेरे को तो ये डाटा भी लर्न करना है। बहुत चीजें ऐसी होती है जो आपको स्किप करनी पड़ेगी, आप हर चीज नहीं पढ़ सकते, हर चीज में आप 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। आप नियर परफेक्शन तक जा सकते हैं तो आपको इस तरीके से ही चलना है। आपको प्री क्वालिफाई करना है, प्री को टॉप नहीं करना है, क्योंकि प्री सब, मेरे को लगता है प्री सबसे बड़ी हर्डल हो जाती है। उसके बाद मेंस में आपको हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने हैं, क्योंकि मेंस ही है जो आपको फाइनल सिलेक्शन आपका डिसाइड करेगा। मेंस में अगर आप जैसे अच्छे मार्क्स ले लेते हो तो आपको इंटरव्यू की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है, सिलेक्शन के चांसेस फेयर हो जाएंगे। इंटरव्यू में उसके बाद आते हैं, उसके बाद आपको जैसे अगर मेंस को आपको लगता है कि हाँ मेरा मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, तो इंटरव्यू के लिए आपको अपनी इनबिल्ट पर्सनैलिटी जो है ना, जिस दिन प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो उस दिन से ही करना है। ये नहीं है कि सिर्फ 10 to 15 डेज मिलेंगे, 1 महीना मिलेगा, मैं वहां पे प्रिपेयर कर लेंगे। वहां पे कुछ भी ऐसा मिराकल नहीं होता है कि आप प्रिपेयर कर लोगे, जो हमारी इनबिल्ट पर्सनैलिटी है इंटरव्यू में वही शो होगी। जैसे आपको फर्स्ट डे से अपने आपको ये देखना है कि मुझे ब्यूरोक्रेसी में जाना है, मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को एक सिविल सर्वेंट बनना है, तो अपने अंदर वो क्वालिटीज अभी से हायर करो, अभी से उसको अपने रूटीन में, अपने सिबलिंग से, अपने पेरेंट्स, अपने पीयर ग्रुप, टीचर सबसे बात करते हो, आपके अंदर वही चीजें होनी चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए, आपके अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको इंटरव्यू में इम्पैक्ट करे। क्योंकि जो वो 20 मिनट्स होती है ना, उसमें आप किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पुट करते हैं, आप चाह के बिना कुछ भी फॉर्मेलिटी वाला। देखो एक दो बच्चे होते हैं जो फॉर्मेलिटी कर पाते हैं, लेकिन जो होते हैं हम जो इनबिल्ट अंदर से होते हैं ना, रियल जो होते हैं, वो ही वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। चाहे आप इंटरव्यू के लिए कितने क्वेश्चन रेडी कर जाओ, वो नहीं रिपीट करेंगे, वो दूसरे क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरी बहुत ज्यादा ग्रिलिंग हुई थी सर से पूछना, मैं मतलब पेपर के इंटरव्यू के बाद सर मुझे मिले थे, मैंने सर को बोला सर बहुत भयंकर ग्रिलिंग हुई है, उन्होंने मुझे इतना कंफ्यूज किया, मैं सही आंसर्स बता रही थी, मैंने घर आकर चेक किया कि मैंने तो आंसर सही बताए थे, लेकिन स्टिल उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की और मुझे इतने गंदे एक्सप्रेशन दिए, मुझे लगा कि मैं तो गई। लिटरली मेरे पास यही फील थी, देखे जाएगी अब जो होगा, लेकिन इसीलिए आपको वहां पे अपने आप को कंट्रोल करना है, अभी से अपने आप को कंट्रोल करना स्टार्ट करो, अपनी स्टडी पर फोकस करो, कॉन्फिडेंस रखो मन में, किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक आपके पार्ट से नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहो, चाहे पूरे दिन में 6 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 6 घंटे सिर्फ आपके पढ़ाई होनी चाहिए, आपके माइंड में अलग चीजें नहीं होनी चाहिए। ये मत सोचना कि अरे मुझे करना है, मैं 15 घंटे पढ़ लूँ। देखो ह्यूमन बीइंग है, 15 घंटे कोई नहीं पढ़ पाता। सिर्फ क्या होता है, इफेक्टिव स्टडी जो अगर हम 12 से 13 घंटे की सिटिंग दे रहे हैं, उसमें इफेक्टिव स्टडी 8 to 9 आवर्स की ही होती है, तो किसी भी चीज से मिसगाइड नहीं होना। और हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि मेंस के टाइम पे आपकी हेल्थ जो है ना, आपका बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। अगर इनके हिसाब की गलती से भी हेल्थ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट आता है, आपका 2 से 3 दिन बर्बाद हो जाएंगे। हेल्दी फूड लो बिल्कुल, और मेंस पे क्योंकि सिटिंग आपको जाना ज्यादा देनी है, आंसर राइटिंग करनी है। अच्छा हाँ एक और चीज है, जैसे प्री का क्या रहता है, अपने आप को हर सिचुएशन में रख के देखना, क्योंकि कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जहां पर शायद पंखा भी ना हो, लाइट ना हो, या धूप में बिठा दे, किसी भी तरीके की हो सकती है, तो प्लीज इस चीज को अवॉइड करना है आपको। जैसे मैं क्या करती थी, मैंने बाहर ग्राउंड में बैठ के भी अपना एक टेस्ट पेपर लगाया था, फैन रूम का फैन स्विच ऑफ करके भी पेपर लगाया है, और नीचे बैठकर भी पेपर दिया है। कंफर्ट नेट से आपको निकलना पड़ेगा। अगर आपको अपनी अच्छी लाइफ चाहिए, अपने कंफर्ट को पहले आपको बिल्कुल त्यागना होगा कि नहीं अब मुझे कंफर्ट जोन में नहीं, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है। उसके बाद आपको आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अभी मुझे ये लग रहा है कि मई तक ये प्री करवा देंगे, तो वही सितंबर अक्टूबर तक अगर आपका जाता है मेंस, फिर तो लिख पाओगे। अगर इनके दिसंबर में मेंस गया तो बहुत ठंड होती है, तो उस टाइप से आपको अपनी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो करनी होगी। जीएस में भी आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट रेडी कर लेना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है मैं इसमें ये इंट्रो दूंगी,
उसके बाद ये पॉइंट्स देने हैं मुझे और ये कंक्लूजन देना है। तो आपका सब जो है ना सब कुछ 70% जो है ना मेन से पहले रेडीमेड होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको वहीं पर ही आप बनाओगे, सोचोगे, थिंकिंग लेकर आओगे, टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि आंसर राइटिंग को सब ना अवॉइड कर देते हैं, नहीं मुझे नहीं करना है। एटलीस्ट मेन से पहले वो 10 to 15 जो है ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पेपर पूरे 3 आवर्स के टेस्ट लिख लेना, स्पीड आपकी मैटर करेगी। और एक टेस्ट पेपर अगर इनके हिसाब स्टार्ट करते हो तो पूरे 3 घंटे उसको देने हैं। ये मत करना कि आज आधा पेपर लिख लेते हैं, कल आधा लिख लेंगे, ऐसे क्या रहेगा, बीच में गैप आ गया। और कोशिश क्या करनी है आपको, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होते हैं तो 3 घंटे उस टाइम, 3 घंटे उस टाइम, 6 घंटे की आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है एक दिन में पेपर से पहले। क्योंकि हाथ में दर्द हो जाता है फिर वो, हम सेकेंड पेपर में हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो उस चीज की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और अपने आपको अपडेट रखना है न्यूज़पेपर में, जो भी डाटा आ रहा है, जो भी स्कीम आ रही है, जो भी कुछ अच्छे वर्ड्स आते हैं। एडिटोरियल को जरूर पढ़ना है, एडिटोरियल से आपका मेंस का जो आंसर है ना वो एनरिच हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी है टॉपिक पर। और लास्ट में जैसे रात को हम सोने जाते हैं बिफोर योर बेड टाइम, आपको क्या करना है, मैंने क्या पढ़ा था, आपको खुद में थिंकिंग करनी है। कोई बुक नहीं रहेगी आपके पास, कुछ नहीं रहेगा, आपको सोचना है मैंने अच्छा आज ये पढ़ा था, रिकॉल करना है आपको। अगर कुछ रिकॉल नहीं हो पा रहा है या तो उसको उसी टाइम पे पढ़ लो, या फिर मॉर्निंग में उठते ही आपको वो चीज देखनी है, मैं ये रिकॉल नहीं कर पाया और मुझे अभी देखना है। और अपना स्केड्यूल इस तरीके से रखना है, 6 दिन आप पढ़ाई करो, संडे को आप 2 से 3 घंटे एक आउटिंग रखो, अपना एंजॉय करो, अपने आप को रिलैक्स करो, और उसके बाद जो पूरे हफ्ते पढ़ा था उसको आपको रिवाइज करना है। इससे आपकी रिविजन मल्टीपल हो जाएगी और आपको चीजें मेमोराइज हो जाएगी। क्योंकि प्री मेंस जो है ना आपके वहां पे प्रोड्यूस करने का है, प्री में आपको यह है कि आप किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करते हो, और मेंस में आप किस तरीके से अपना रिप्रोड्यूस करते हो और किस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हो। तो मेरे पार्ट में यही है, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप सब पूछ लीजिए। सर कुछ और बताना है? मैम, मुझे ना ये पूछना था कि प्रीलिम्स के कितने टेस्ट दें। टेस्ट यार, अब सबसे पहले आपको अपनी एफिशिएंसी देखनी होगी कि मेरा किस तरीके से चलता है। आप 15 टेस्ट लगा लो, उसे 15 to 20 टेस्ट आपको हेल्प करेंगे। टाइम वो ही रखना पेपर वाला। ठीक है। और मैम ये कि PT365 करें या नहीं करें, यार मैंने नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। तो करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ हिंदू और सर्वली मैगजीन। मैंने वही किया था, और एक हरियाणा का सर्वे और बजट कर लेना। ठीक है। और मैम मुझे ना थोड़ा सा एंग्जाइटी इशू है, और मेरा इस बार भी, मतलब मेरा इस बार जो हरियाणा वाला पेपर था ना, मेरा उसमें 56-57 स्कोर बन रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत एज पर ही थी और रह गया। यूपीएससी में भी ऐसे हुआ, मेरा 93 के आसपास स्कोर है यूपीएससी में भी, लेकिन मुझे थोड़ा एंग्जाइटी का इश्यू है, वो इनहेरिटेड है मेरी मम्मी से, और मैं पैनिक हो जाती हूँ। अगर ऐसे हो गया ना तो मेरी हार्ट बीट हाई हो जाएगी और ऐसे पसीना आने लग जाएगा। इसको कैसे टैकल करूँ? ये मेरे लिए हमेशा से रही है, प्रॉब्लम रही है इस एंग्जाइटी मेडिटेशन वाली, करो, मेडिटेशन और योगा रेगुलर नहीं होती। वो करना पड़ेगा। अपने आपको अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो। आपको क्या करना है, अगर आप किसी से बात कर सकते हो तो अपने हाँ जो जी है ना, मुझे जो लगता है पर्सनली फील होता है कि सबसे मेन एंग्जाइटी क्यों होती है, क्योंकि हम अपनी बातों को किसी के सामने रख नहीं पाते हैं। हाँ अपने जी आप को आपको ओपन करना है, शेयर करो चीजों को सबके साथ, जो मन में चल रहा है उस चीज को बोलो और मेडिटेशन करो। धीरे धीरे कंट्रोल करो खुद को। जैसे मैं ना कॉलेज टाइम में काउंसलिंग लेती थी, जो जिनका डिप्रेशन टाइप था, तो उनको मैं क्या देती थी, 1 वीक का एक टारगेट दे देती थी कि 1 वीक में आपको ये लग रहा है आपको इस चीज को अवॉइड करना है। आपको क्या करना है, मेडिटेशन करो, 1 दिन करो, 2 दिन करो। आपको अगर इंजॉय जो भी चीज है, मेडिटेशन ये नहीं है कि आपको प्रॉपर एक आपको सिटिंग पोस्चर में बैठना है, ओम का जाप करना है। आपको जो आपकी हॉबी क्या है, पढ़ना ही सबसे ज्यादा, तो तो पढ़ना और नॉवेल्स रीड म्यूजिक। करो, म्यूजिक है, म्यूजिक सुनो उस टाइम पे। मेडिटेशन बेसिकली पता है क्या होता है, जो चीज जो भी आप एंजॉय करते हो, डांस एंजॉय करते हो, कुकिंग एंजॉय करते हो, घूमना फिरना एंजॉय करते हो, उस टाइम पे वो करो। बर्डन नहीं देना है खुद को। जिस टाइम पे लगे एंजाइटी हो रही है, निकल जाओ, एक राउंड लगा कर आओ, कुछ अच्छा जो आपको अच्छा लगता है वो करो, खाओ पियो, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखो। अपने आप को आपको कंट्रोल में रखना है, आपको इस चीज को अवॉइड करना है। जैसे भी हो सके, जिस भी चीज में आप एंजॉय कर सकते हो
उस चीज को आप इंजॉय करके धीरे धीरे करो। ये नहीं है कि एंजाइटी, ये नहीं कि एक ही दिन में चली जाएगी, उसको टाइम लगता है। जैसे डायरी लिख सकते हो, अगर आप किसी को नहीं कह पा रहे हो, डायरी इज द बेस्ट ऑप्शन। नॉवल रीड कर लो, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो देख लो, अंदर से आपको स्ट्रांग करना है खुद को। अभी अगर आप अभी एंग्जाइटी लेकर आओगे, ब्यूरोक्रेसी में कैसे काम करोगे, तो उस चीज को आपको अभी से कंट्रोल, खुद में ये बोलो कि मैं एक ऑफिसर हूँ और मुझे पूरी अपनी जो स्टेट है, अपनी डिस्ट्रिक्ट को संभालना है, और मैं एंग्जाइटी नहीं कर सकती। अपने आपको अंदर से स्ट्रांग करना है, स्ट्रांग करो कि भाई मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे ये चीज टेक ओवर करनी है और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है। एंजाइटी से कुछ नहीं होने वाला, एक सेल्फ मोटिवेशन लेकर आओ अपने अंदर, स्ट्रॉन्ग करो, खुद पे कॉन्फिडेंस लेकर आओ, और यू कैन डू इट। एक ही मंत्र है, यू कैन डू इट। अपने आप को डेली बोलो, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट एंड आई हैव टू डू इट। मैम क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेक्स्ट? हाँ, एक बार नाम बताओ अपना हाँ फिर। जी मैम मैं प्रियंका बोल रही हूँ, प्रियंका जी रावत। मैम मुझे ये पूछना था कि मेरा भी बॉटनी ऑप्शनल है, तो मैम अदर देन सब्जेक्ट बुक्स जो हमने ग्रेजुएशन में मास्टर्स में पढ़ी हैं, उनके अलावा मैम कोई ऐसी टेस्ट सीरीज है जो क्रिस्प आंसर्स दे सके, लाइक मैं सब्सक्राइब कर सकूँ उसको? यार, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई बॉटनी के लिए। मैंने इवोल्यूशन के नोट्स पढ़े हैं, और इवोल्यूशन, ओके। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के और हरियाणा के प्रीवियस ईयर का प्रिंट ले लेना। बॉटनी का एक ग्रुप है, उसमें ना यूपीएससी के टॉपिक वाइज एक बने हुए हैं क्वेश्चंस, तो मैंने अच्छा हर एक मैम। क्वेश्चन को लिख कर देखा है। ऐसे यूपीपीसीएस का है मेरे पास, एक मेरे फ्रेंड ने दिया था मुझे, हाँ जी, तो वो मैंने सारे क्वेश्चंस जो है ना क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। फोर हाँ। हंड्रेड टेलीग्राम पे, क्वेश्चन बन जाए टेलीग्राम का एक ग्रुप है जो बॉटनी ऑप्शनल के नाम से, वो मैम। शायद, वो ही है। ठीक मेरे पास पीडीएफ होगी, मैं सर को शेयर कर दूंगी, सर आपको भेज है देंगे। मैम, मेरे को भिजवा दीजिएगा, मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं किया, कोई टेस्ट सीरीज नहीं की है, क्योंकि सिर्फ उसमें आपको बॉटनी में, आपको भी पता है, कुछ एड ऑन होना नहीं है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, तो आपको, आप क्वेश्चन रेडी कर लोगे उसी में से ही पूछना है। हाँ मैम, और क्योंकि डायग्राम्स पर, आपकी डायग्राम्स पर कमांड लेकर आना कि जी फ्री हैंड से डायग्राम बना दो, जी पेंसिल का यूज मत करना क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। और बॉटनी का एक बार एग्रीकल्चर काफी था, तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर पढ़ लेना। हाँ ठीक है मैम। टेस्ट सीरीज का यही रहेगा, क्योंकि ऑप्शनल जो इसके आंसर्स है ना, ज्यादा इतने एडवांस नहीं होते। जैसे मेंडल का आता है, आपको उसमें डायग्राम बनाने आने चाहिए। इस बार जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आया था, तो वो भी अगर डायग्राम में आपने चीजें एक्सप्लेन कर दी ना, जो हम कॉलेज टाइम पे करते थे, हाँ। साइंस सब्जेक्ट में इसमें यही रहेगा कि आप डायग्राम में कितनी चीजें मेंशन कर पा रहे हो, उन सबको नीट एंड क्लीन कर दो, क्योंकि साइंस में इतना ज्यादा जो थियोरी आपने लिखी उसको कोई रीड नहीं करता है। आपने डायग्राम अच्छा दे दिए, आपने और एग्जाम्पल्स दे दिए। हाँ, कोशिश करना एग्जाम्पल्स देने की, साइंटिफिक नेम जो मोस्टली लर्न नहीं हो पाते हैं उसको लर्न कर लेना। मैं बाकी सर के पास पीडीएफ भेज दूंगी, वे क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, जी उसमें मैम, से क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है मैम। क्योंकि वो बहुत है। इवोल्यूशन अगर के कुछ नोट्स मैंने पढ़ रखे थे, तो उसमें मैडम क्रिस्प नहीं है, लाइक इट इज नॉट रिसेप्टिव, मतलब आईज को इतना, वो पूरा एकदम कंटेंट का कंटेंट ही लिख रखा है, तो इस वो ही, वजह तो वो से। देखो, वो आपको कंटेंट देंगे क्योंकि आपको कुछ भी पूछ सकते हैं ना वो आपको। तभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपको क्वेश्चंस लिखने हैं ना, वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में लिखने हैं। जी आपको टॉपिक रेडी नहीं करना है, आपको ये क्वेश्चन मैम, रेडी करना है। ये मैम। कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें मुझे इतना कंटेंट देना है और वर्ड लिमिट के साथ देना है। अब बुक्स तो सारी ही है ना, सब बुक्स को तो नहीं पढ़ सकते ना, पूरी बुक वहां पर हमें करनी भी नहीं है। सिर्फ लास्ट में आप वो एक रेडी कर लो ना। मैं अब सर ने जो, मैंने कुछ अपने क्वेश्चंस लिखे हुए, मैं सर के पास पीडीएफ भेजूंगी, आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपको रेडी करना जी है। मैम। टॉपिक को रीड करो, उसके बाद उसमें से बेशक ना आपको लर्न नहीं है ना, क्वेश्चन लिख के उसका आंसर अपनी बुक्स में से देखकर बना लो, ठीक है। बर्डन मत लेना रिसीव कि ये अपना एक क्वेश्चन आपका रेडी हो गया, आंसर रेडी हो गया, उसके बाद आपको उसको लर्न करके दोबारा लिखना है। जी मैम। मैंने प्रैक्टिस एक ऐसा टेस्ट सीरीज नहीं की थी, मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस के क्वेश्चन जो भी लेटेस्ट हुए थे ना, उनको लिख लेना। हाँ मैम, वो तो मैंने लिख रखे हैं मैम, वो मैंने जॉट डाउन किया हुआ एक जगह, और उनके आंसर्स भी बना रखे हैं। बस ये प्रॉब्लम होती है मैम कि जब मैं आंसर लिखने जाती हूँ, तो मैं, मेरा पहला अटेम्प्ट ये रहता है कि एक डायग्राम से चालू करे, मतलब
तो उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू करे, तो ये एक सही अप्रोच है क्या मैम? यार मेरी अप्रोच ये रहती थी, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा लिखती थी 3 to 4 लाइन, फिर बीच में डायग्राम देती थी, फिर लिख देती थी। अच्छा ठीक है मैम, ये मेरी भी ठीक अप्रोच है। ये रही है, बाकी जो आपको बेस्ट लगे वो अपने अकॉर्डिंग आप कर लेना। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू मैम, ओके मैम। चैट में क्वेश्चन है ही ना एक दो, तो ये कि ऑप्शन में 30 मार्क करके आंसर में कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, मेघना का आई थिंक क्वेश्चन। सर जैसे अभी हरियाणा में मेघना जैसे ये रहा है कि 5 to 6 pages से आप अपनी हैंडराइटिंग का देखना, जैसे मैं बहुत लूज लूज लिखती हूँ तो मैंने कोशिश की थी 3 to 4 sheets को फिल करने की। और जैसे अगर आप थोड़ा वो लिखते हो तो 3 to 3.5 pages मोर देन सफिशिएंट। थोड़ा इसमें मैं ऐड करूंगा कि ठीक है ना, वहाँ पे साइकोलॉजिकल रहता भी और शीट्स भी इस बार ज्यादा थी, तो इन्होंने अच्छा बताया कि थोड़ी राइटिंग ब्रॉड ही करो आप, है ना, और लाइन में गैप छोड़ दो। इन्होंने बताया कि अच्छा ठीक है डायग्राम डाल दो, फ्लो चार्ट डाल दो, क्योंकि एग्जामिनर की साइकोलॉजी अगेन मैटर करेगी आपके लिए। आपने सीधा सीधा लिख दिया पैराग्राफ में नहीं है, एक इंट्रो बनाओ जैसे उन्होंने बताया एग्जाम से। प्रियंका डायरेक्ट डायग्राम से भी स्टार्ट नहीं करते, थोड़ा अजीब लगता है। एक इंट्रो बनाओ ठीक है, फिर डायग्राम डालो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, फिर एक डायग्राम और डाल दो। तो इस तरीके से जो वर्ड लिमिट की बात है, ऐसा वर्ड लिमिट तो कुछ नहीं है, पेजेस होते हैं, तो फिर भी अगर 300+ या 400 के राउंड जा रहे हो आप वर्ड्स, तो वो सफिशियंट रहेगा। प्लस में थोड़ा खुला करो, कुछ डायग्राम डालो, एक सेंस आनी चाहिए कि हाँ भाई पेज थोड़ा फिल है, तो वो एक अच्छा सेंस देगा एग्जामिनर को भी। ज्यादा एक्स्ट्रा पेजेस मत छोड़ना, वो मुझे नहीं लगता हाँ बेनिफिट देगा बिल्कुल तुम्हें। लूज लूज लिख देना, डायग्राम्स जितने डालोगे ना उनको अच्छा लगता है। आपको सामने वाले को अपना प्रोडक्ट बेचना है, हम अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं लेमन लैंग्वेज में, और उस प्रोडक्ट को जितना अच्छा आप बना सकते हो, आपकी शीट आपका प्रोडक्ट है, जितना अच्छा उसे बना दोगे वो इतना इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। तो वर्ड्स लिमिट में तो नहीं मैं गई थी, मैंने पेजेस के अकॉर्डिंग किया था, तो पेजेस में मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल। और ठीक है आने वाले जो टाइम है इसमें हम यही करेंगे, आंसर राइटिंग कैसे आपको इवॉल्व करनी है, क्योंकि इन्होंने ठीक कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि ये नहीं कि प्री के बाद ही चीजें करोगे, प्री से पहले 70-80% रेडी कर लो, तो उस टाइम क्या होगा, बस प्रैक्टिस करनी है और फिर चांसेस ज्यादा क्वालिफाई होते हैं। क्यों ही ना, मोस्टली बच्चे हम देखते हैं कि प्री कर लेते हैं, बार बार मेंस नहीं कर पाते। उसका रीजन मेरे को ये लगता है कि वो पहले प्री मेंस की तैयारी करते ही नहीं है, वो प्री के बाद ही करते हैं, तो उस टाइम वो पुश नहीं मिल पाता 20-30 नंबर का ऊपर वाला, तो वो बॉर्डर पे जाके जी सर, रहता है। ये हम वो ये कि जो एडवांस वाला कोर्स है बच्चों को, ये कि तुम पुश करो यहाँ पे ही, प्री भी निगलेक्ट नहीं करना है, लेकिन एक मेंस का 70% रेडी है, तो उस टाइम तुम्हारा चांस ज्यादा होगा प्रॉपर में आने के लिए। तो वही मेरे सर ख्याल से टाइम ही टाइम नहीं मिलता है उतना ही नहीं थिंकिंग मिलता। के ठीक कह रही लिए हो बिल्कुल, कि हमें इस तरीके से अपने आप को बनाना है। क्वेश्चन देखा, अच्छा ये है, फटाफट लिख दो, ये हुआ, एक दो क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन लेकिन मोर और लेस ऑलमोस्ट तो वही रिलेटेड स्टफ होगा ना आपका। टाइम बच गया, लगता 3 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट। है। यही बात ठीक है, मान लो आपने बताया 400 टॉपिक, सेम इज एप्लीकेबल टू जीएस, हमने से लिस्ट निकालते हैं, या आप इनकी तो डायरेक्ट प्रैक्टिस भी होगी, अगर ये मेरे साथ 100 क्वेश्चन लिख भी लेंगे या कहीं भी लिखते हैं, तो 100 टॉपिक तो रेडी हो गए ना इनके, फिर 100-200 टॉपिक हम इनके करंट अफेयर में डिस्कस कर लेंगे। आपकी बात वो ठीक, हर बात में इन्होंने बस स्टार्टिंग से बड़ी क्लियर बताई है, कितनी अच्छी बात है कि हिंदी का लिखो तो इंग्लिश का मत लिखना वो टॉपिक, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ कंटेंट भी रेडी करना है। अब हिंदी में अगर आपने लिख लिया किसी टॉपिक के ऊपर, उस पर हिंदी इंग्लिश मत लिखो, दूसरे पे लिख लो, तो कैसे स्मार्ट वे से तरीके से हम अपने, अब बच्चे वही चीज रिपीट करे जाते हैं ना, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है एक क्वेश्चन हो रहा है ना शायद चैट में ना, कि सब मेघना ही पूछ रही है मैम, HCS के लिए कोई प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लगानी है क्या, या घटना चक्कर विल बी सफिशियंट? यार मैंने टेस्ट सीरीज बस यू सर ने जो टेस्ट पेपर्स दिए थे वही लगाए थे, उसके बाद घटना चक्र किया था मैंने, बस ये दो चीजें किए थे। मेघना ठीक है बात, घटना चक्कर और वो टेस्ट सीरीज इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया टेम्परामेंट। और मैं भी बच्चों को जब इवन मेरी टेस्ट सीरीज में, उसमें बच्चों को ये कहता था कि यार क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा कि डायरेक्ट यहीं से आएंगे, वो तो बात ही नहीं हो रही, इन्होंने वो बात बिल्कुल क्लियर की है, क्योंकि हम नहीं कह सकते क्वेश्चन वही आएगा, लेकिन दो तीन बातें टेस्ट सीरीज का पर्पस देखो, एक आपका शेड्यूल बन रहा है कि मेरे को इस हफ्ते टेस्ट देना ही है ठीक है, दूसरा आपका रिविजन हो रहा है, जो आपने पढ़ा है उसको आपने रिवाइज कर लिया, तीसरा कुछ आपकी वैल्यू एडिशन हो रही है, कुछ चीज आपका करंट का मिस हो गया, कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया, तो वो आपने अपने नोट्स में ऐड कर लिया, और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्होंने बताया, दैट इज टेम्परामेंट। टेस्ट सीरीज आपका टेम्परामेंट सेट करती है एग्जाम के लिए, कि यार वो 2 घंटे मेरे को कैसे मैनेज करना है। इवन बिल्कुल 2018 में शायद मेरे साथ ये हुआ था यूपीएससी, जब उस टाइम मेरा प्री क्लियर था, लेकिन मेरे स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन मेरे को आते ही नहीं थे, लेकिन बस वो पढ़ाई इतनी करके कॉन्फिडेंस था, मगर कोई बात नहीं 15 नहीं आ रहे तो बाद के 80 वाले मैनेज करेंगे। तो वो इन्होंने बिल्कुल आप बताया कि स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन नहीं आए कोई बात नहीं,
तो ये सब चीज आप कहाँ सीखते हो? टेस्ट सीरीज के थ्रू सीखते हो। फर्स्ट राउंड में कितने करने हैं, क्या एक्यूरेसी करनी है, तो ये सब चीजें हिना ऑलरेडी बता चुकी है और वो मेरे को बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही बातें। ऐसे होता है जो बच्चे क्लियर करते हैं।